लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे। इंदौर में दिशा समिति की बैठक सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद शंकर लालवानी ने गोपाल मंदिर और राजवाड़ा के जीर्णोद्धार से जुड़े कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की। बैठक में निगमायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर लोकेश जाटव सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। इंदौर की रेसिडेंसी कोठी में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद शंकर लालवानी ने बैठक में मौजूद जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना और नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्यों की रिपोर्ट तलब की। अधिकारियों ने भी बैठक में सभी योजनाओं से जुड़े कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। वहीं बैठक में मौजूद महापौर मालिनी गौड़ ने बिजली विभाग के अधिकारियों के रवैया पर नाराजगी जाहिर करते हुए लगातार किए जा रहे सेट डाउन पर सवाल खड़े किए। जी, इस बैठक को आयोजित की है और इसमें सभी नगर निगम के प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी। स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण और शहर की पेयजल योजना और दो तीन मुद्दे ग्रामीण क्षेत्र के, वो अभी डिस्कस होंगे और उस पर कई सारी चर्चा हुई। उन्होंने पूरी जानकारी मांगी थी, वो जानकारी हमने दी। क्योंकि हमने जो घोषणा की थी कि हम इस रोड को स्मार्ट रोड बनाएंगे और सभी चीज़ें अंडरग्राउंड होगी, सभी चीज़ें अंडरग्राउंड भी हो गई, अंडरग्राउंड बिजली भी डल गई है, लेकिन कनेक्शन होना तो उसके लिए शटडाउन। बिजली अधिकारी ने कहा कि 4 घंटे हम रोज़ शटडाउन ले रहे हैं, तो मैंने कहा 4 घंटे क्या कर रहे हैं आप, शटडाउन लेकर काम क्या कर रहे हैं उस पर, तो वो जवाब नहीं दे पाए। 4 घंटे शटडाउन में कुछ कनेक्शन हो जाते तो वो लाइन पूरा चालू हो जाती और खंभे हट जाते, ये मेरा प्रश्न था। वो उस पर आगे काम करेंगे ऐसा बता रहा है बिजली विभाग वाला। सभी जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर सांसद जी ने उसमें जानकारी मांगी थी, वो पूरी जानकारी हमारे अधिकारियों ने दी है और काफ़ी तेज़ी से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास का भी तेज़ी गति से चल रहा है, लेकिन जो केंद्र से पैसा आना वो तो पूरा आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार से जो पैसा आना है प्रधानमंत्री आवास हो या स्मार्ट सिटी में हो, वो पैसा पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है, इसलिए काम में थोड़ी गति कम चल रही है। अध्यक्षता में दिशा की एक बैठक कॉल की गई थी जिसमें केंद्र सरकार की स्कीम्स और जो केंद्र सरकार की जो वित्त पोषित स्कीम्स है उस पर चर्चा की गई है और विगत वर्षों में स्मार्ट सिटी के जो काम हुए हैं उसकी काफ़ी सराहना हुई है और जल्दी ही एक केंद्रीय दल है वो स्मार्ट सिटी के कामों को, इंदौर में जो स्वच्छता का काम हुआ है उसको देखने भी आएगा। बैठक में नगर निगम के अधिकारियों ने भी बैठक में योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अपनी रिपोर्ट पेश की। सांसद शंकर लालवानी प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के साथ ही सड़क चौड़ीकरण से जुड़े कार्यों को लेकर नगर निगम की पीठ भी थपथपाई। देखिए, आज नगर निगम से संबंधित अमृत और स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना, तीनों जो मुख्य केंद्रीय योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई है और तीनों की जो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दी है उस पर सांसद महोदय के द्वारा बहुत संतोष व्यक्त किया गया है। इवन उनके द्वारा ये तक कहा गया है कि स्मार्ट सिटी की जो प्रेजेंटेशन दिल्ली में हुई थी तो दूसरे सांसदों ने भी इंदौर की बहुत ज़्यादा तारीफ करी थी और 15 तारीख को स्वच्छ भारत मिशन के और स्मार्ट सिटी के कार्य देखने के लिए सांसदों का एक दल भी यहाँ पर आने वाला है इंदौर में दौरा करने के लिए। सर, भूमाफियाओं को लेकर जो कार्रवाई चल रही है क्या आगे भी जारी रहेगी और किस तरह से? देखिए, निश्चित रूप से जारी रहेगी और ये भूमाफिया नहीं, जो अलग अलग विभागों से जितने भी चिन्हांकित माफिया हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हम लोग कम से कम मिनिमम 2 माफियाओं के अगेंस्ट में कम से कम 3 या 4 स्ट्रक्चर्स गिराने की कार्रवाई करेंगे और ये मुहिम जो भी हमारी लिस्टिंग है जब तक वो कम्प्लीट नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगी।
क्या कुछ अभी? देखिए इसमें कुछ टावर्स ऑलरेडी बने हुए थे जिनकी रजिस्ट्री हो गई थी और उसमें लोग रह रहे हैं, तो हमने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। इसके अलावा एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, क्लब हाउस का निर्माण हो रहा था, वो पूरी तरीके से अवैध था, उसको नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई करी गई है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की कुछ गुमटियाँ थी जो अवैध रूप से बनी हुई थी, जो पुलिस की तरफ से जो है उसका नाम था, लिस्टेड गुंडों में शामिल है, उसके भी संरचनाएं तोड़ने का आज काम किया गया। शटडाउन में एमपीईबी से जब हम लोग मांग करते हैं, ये अवश्य है कि शटडाउन में थोड़ा विलंब होता है क्योंकि जनता के बीच में बिजली का कटना भी एक तरीके से एमपीईबी के लिए थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है, लेकिन आज जो बैठक में तय हुआ है कि हम लोग एक शेड्यूल बना के दे देंगे, उस शेड्यूल के हिसाब से एमपीईबी उस पर निर्णय करेगा और शटडाउन हमको प्रदान करेगा। हालांकि सांसद शंकर लालवानी ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी गति के साथ ही राजवाड़ा और गोपाल मंदिर के जीर्णोद्धार की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की। सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों को उन प्रोजेक्टर की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं जो बेहद धीमी गति से चल रहे हैं। सांसद लालवानी ने सभी योजनाओं के लगातार फीडबैक लिए जाने की भी बात कही। दो तीन चीजें शहर के लिए बहुत जरूरी है। एक तो जो हमारी खान नदी और सरस्वती नदी का जो रिवर फ्रंट वाला प्रोजेक्ट है उसको हमको पूरा करना चाहिए। ये तो रनिंग प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी है, नया टर्मिनल बनाने की बात चल रही है कि नया टर्मिनल बने यहाँ पर, प्लस सुपरफास्ट ट्रेनें यहाँ से चले। इसके अलावा शहर में अभी कुछ ही दिन में हम कुछ नई घोषणा करने वाले हैं, एक दो दिन में आपके बीच में रहेंगे, उसमें नहीं एक दो दिन हो सकता है कल या परसों आपके बीच में रहेंगे और उसमें नई घोषणा करके शहर में नए वर्ष में क्या नया दे सकते हैं। नहीं कुछ वर्कआउट चल रहा है आज ही, उसमें सीईओ जिला पंचायत और वो भी रहेंगे और हम चाहेंगे कुछ ऐसी शहर की अच्छी योजना आपके बीच में ले आए एक दो दिन में। देखिए दिशा समिति की बैठक थी जिसमें केंद्र से जो फंडिंग होता है उसकी सभी विभाग की समीक्षा होती है और ये समीक्षा अभी कुल मिला के 6 विभागों की हुई है। लगभग 40 विभाग ऐसे हैं जिनकी समीक्षा होना है, उसमें 6 की आज हुई है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लगभग संतुष्टि पाई गई क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था उसके हिसाब से काम हो रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 615 ग्रामों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हम पहुँचे हैं। लगभग 95% हम गाँव तक पहुँच चुके हैं और बचे हुए गाँव में इस साल का लक्ष्य लगभग हर गाँव में जो लक्ष्य रखा गया है उस पर पहुँच जाएंगे। अब रोड चौड़ीकरण की बात चल रही है कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसको चौड़ी की जाए क्योंकि यातायात का दबाव भी है और आने वाले समय में हम चाहते हैं गांव सक्षम हो, तो वो लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी ग्रामीण का जो लक्ष्य था वो लगभग पूरा हो गया है। शहर में 52,000 का लक्ष्य था यूनिट बनाने का घरों का, पर उसमें अभी 26,000 पे ही काम चल रहा है। मुझे लगता है इसमें और काम में तेज़ी आना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार का जो उसमें राशि है वो पूरी मिलने की तैयारी है क्योंकि लक्ष्य के अनुसार वो पूरी राशि सेंक्शन हुई है। आने वाले दिनों में हमने कहा है कि इसमें तेज़ी से बढ़ा जाए, पर मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा जो गरीब व्यक्ति है जो घर लेना चाहता है उसके लिए प्रधानमंत्री जी की जो क्रॉस सब्सिडी है वो भी उपलब्ध है और जो रेट है वो हमने बहुत अलग अलग नॉमिनल रखे, पर एक जो तकनीकी समस्या आ रही थी वो ये आ रही थी कि लोगों का जो मैं भी मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों से जब मिलता हूँ तो ये बात कहते हैं कि वो शहर से दूर है इसलिए हम वहाँ जाना नहीं चाहते, क्योंकि शहर में कोई शासकीय ज़मीन मिल नहीं रही है इसलिए वो शहर के दूर बन रहा है। हमने आज ये भी निर्देश दिए कि जहाँ जहाँ ये प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रही है वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि लोग जो गरीब वर्ग के लोग हैं मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको आने जाने की यातायात की सुविधा मिलनी चाहिए। अटल मिशन में जो अमृत योजना है उसके बारे में संतुष्टि जताई गई क्योंकि जिस प्रकार से रिवर फ्रंट का काम चल रहा है और जो एसटीपी के काम चल रहे हैं मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ी तेज़ी लानी चाहिए और हमने ये भी कहा है कि जितने भी मेन जो नदियां हैं चाहे सरस्वती नदी हो कान नदी हो इन दोनों में मिलने वाले जितने भी ड्रेनेज के कनेक्शन है वो तुरंत उन्होंने कहा है लगभग 550 के आसपास है लेकिन 150 में ही अभी हमने काम किया है। बचे हुए शेष शीघ्र करना चाहिए क्योंकि एक बार हम अगर नदी साफ कर रहे हैं तो कम से कम ड्रेनेज के जितने पाइप हैं या जो नाले आ रहे हैं उसको रोकना ज़रूरी है। ये भी विषय है कि आने वाली गर्मी ध्यान में रखते हुए जो एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट जो बन रहे हैं उसका जो पानी है वो गार्डनों में बगीचों में उपयोग लिया जाए। हमने ये भी कहा कि इसमें ऐसे हेडिंग बनाए जाएँ कि टैंकर भर के जो कंस्ट्रक्शन वाला
हिस्सा है शहर में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें यही पानी यूज़ आना चाहिए, उसके लिए नगर निगम योजना बना रही है। अगर लगा तो हम जो अमृत योजना का जो अगला फेस है उसमें केंद्र सरकार से इस बारे में कहेंगे कि इसमें सिंचन मिले। इसके अलावा जो पेयजल की योजना है उसके लिए चूँकि पेयजल योजना को लेके एक बात ध्यान में आई कि संतुष्टि सदस्यों को में भी नहीं थी और मुझे लगता है इसमें एक अलग से बैठक लेना पड़ेगी, चाहे वो ग्रामीण की हो या शहरी क्षेत्र की हो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हर घर में नल हो और हर नल में पानी हो। ये आने वाले 5 सालों में जो योजना उन्होंने लक्ष्य तय किया उसके अंतर्गत हम एक अलग से समीक्षा बैठक करेंगे और उसमें रिव्यू करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो नलकूपों पर आधारित है या फिर तालाबों पर, तो इसकी इससे डिटेल में योजना बनाई चाहिए कि गांव गांव में घर घर में नल भी हो और नल में जल भी हो। ये कुछ थे स्मार्ट सिटी को लेकर जो काम चल रहे हैं उसमें, और कुछ प्रोजेक्ट स्लो चल रहे हैं, खास करके राजबाड़ा और गोपाल मंदिर और जो सड़कें जो बताई गई हैं उसमें सड़कों में सिविल वर्क का काम तो हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो आप बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।